हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल RV_A2Z वीडियोज़ में। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा इस IFB फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, तो उसमें मैंने इसकी डेमो और कुछ फंक्शन बताए थे। आज इसमें मैं ब्लैंकेट धो के दिखाऊंगा आपको। तो देखिए, मेरे पास ये ब्लैंकेट है जो 3x6 का है। मैं इसे खोल के दिखा देता हूँ, ये 3x6 का ही है। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो चौड़ाई है वो 3 फीट है और लंबाई 6 फीट है। ये पतला वाला ब्लैंकेट नहीं है, ये मोटे वाला ब्लैंकेट है। देख सकते हैं, मोटा ब्लैंकेट है ये, डबल है, ये डबल है। ठीक है, तो चलिए इसको धो के दिखाता हूँ मैं। इस ब्लैंकेट को धोने के लिए मैं इजी का यूज़ करूँगा। इस ब्लैंकेट को पहले तो इसमें डाल दूँ। ये जो ट्रे मैंने बताया था आपको, इस ट्रे में मैं इजी फिल कर दूंगा और फिर मशीन को चालू कर दूंगा। दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा इजी डाल देता हूँ। ठीक है, इतना इजी डाल दिया मैंने। अब मैं इसका लीड क्लोज करके मशीन का पावर ऑन किया। ये देखिए, अभी स्मार्ट सेंसर पे है, जैसा मैंने पहले बताया था आपको। जैसे ही ऑन करेंगे स्मार्ट सेंसर पे होगा। मैं इसको ब्लैंकेट पे कर देता हूँ। देखिए, मैंने ब्लैंकेट पे सेलेक्ट किया। ब्लैंकेट पे सेलेक्ट करने पे देखिए वाटर लेवल क्या आ रहा है, फुल आ रहा है। 1 घंटे 22 मिनट चलेगा ये प्रोग्राम, और फुल होना ज़रूरी भी है क्योंकि ब्लैंकेट में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था, पूरा ऊपर तक आया हुआ है। तो पानी इसे चाहिए भी, क्योंकि अगर अच्छे से पानी नहीं हुआ तो रिंस ठीक से नहीं हो पाएगा। तो मैं इसे चालू कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने चालू कर दिया है, और होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ जिससे आपको ठीक से दिखाई दे। दोस्तों, आपको दिख रहा हो शायद, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। ये अभी पानी ले रहा है। तो इस तरह से अभी पानी लेगा। मैं आपको सारे स्टेप दिखाऊंगा, बट अगर इतना लंबा वीडियो बनाऊंगा तो फिर आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा वीडियो देखने में। तो अभी ये वाटर फिल होगा और मैं उसके बाद जो स्टेप होगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करता हूँ। दोस्तों, देख सकते हैं ये पानी फिल हो गया है और अब ये वॉश कर रहा है। और टाइमिंग देख सकते हैं आप, 1 घंटा 17 मिनट। और देख सकते हैं वॉश पे चल रहा है ये अभी। ठीक है, और ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जो स्प्रे जेट है, साइड में स्प्रे जेट लगा हुआ है, ये वाला, ये स्प्रे जेट से स्प्रे बीच बीच में कर रहा है। और देखिए, ये वॉश हो रहा है। यहाँ से ठीक दिख रहा है, ये देखिए स्प्रे हो रहा है, देख सकते हैं ना, स्प्रे हो रहा है। देखिए स्प्रे हो रहा है, ये देखिए बंद हुआ। दिखाई दे रहा होगा आपको, स्प्रे हो रहा है।
देखिए बंद हो गया। ऐसे बीच बीच में स्प्रे करता रहता है, स्प्रे जेट के माध्यम से वो जो डिटर्जेंट है उसको अच्छे से मिक्स करता है। वो देख सकते हैं दोस्तों वॉश हो रहा है। वॉश के दौरान तो मशीन जो है थोड़ा सा भी वाइब्रेट नहीं हो रहा है। जब ये रिंस होगा और स्पिन करेगा, मेनली स्पिन के टाइम में इसका आरपीएम मैक्सिमम होता है, उस टाइम देखना है कि ये वाइब्रेट होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो कितना होता है और मैं वो आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखिए। दोस्तों देख सकते हैं ये वॉश हो गया है और पानी ड्रेन हो रहा है। अब पानी ड्रेन हो रहा है, ये देखिए यहाँ रिंस ब्लिंक कर रहा है, पानी ड्रेन हो रहा है। मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, पानी ड्रेन हो रहा है, ये देख सकते हैं पानी ड्रेन हो रहा है। तो वॉश हो गया है, अब ये वॉश हो गया है, अब ये रिंस होगा। जैसा कि देख रहे हैं अब ये रिंस पे ब्लिंक कर रहा है, अब ये रिंस होगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम टेकन इसमें वाटर फिल करना ही है। जितना लेवल ज़्यादा रहेगा वाटर का, फिलिंग टाइम उतना ही ज़्यादा होगा। और पानी का लेवल अगर ज़्यादा होगा तो ड्रेन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम टेकन वाटर फिलिंग और ड्रेनिंग में ही है, बाकी वॉश प्रोग्राम रिंस और स्पिन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी देख सकते हैं हम 44 मिनट रेस्ट है और अभी पानी ड्रेन हो रहा है। तो देखते हैं फिर रिंस का भी आपको दिखाते हैं स्टेप, तो देखते रहिए। दोस्तों देखिए ये अभी थोड़ा सा घूम रहा है, ये घूम के जितना भी थोड़ा बहुत भी जो बचा पानी होगा ना वो ड्रेन करेगा। ये अभी वो कर रहा है, फिर इसमें वाटर फिलिंग करके और रिंस करेगा। तो अभी पूरा पानी ड्रेन हो गया, इसका वाल जो है आउटलेट ड्रेन वाल जो है ओपन हो गया, पानी ड्रेन हो गया। लेकिन जो भी थोड़ा सा नीचे बचा है या मतलब ब्लैंकेट में है, जैसे हम लोग निचोड़ते हैं अपने हाथों से कोई भी कपड़ा धोते हैं उसके बाद फिर दोबारा खंगालते हैं ना, तो बस उसी तरह से ये जितना पानी है अभी ये ऐसा मत समझिएगा ये फुल स्पिन हो रहा है। ये अभी थोड़ा बहुत पानी निकालेगा, दोबारा पानी लेगा, रिंस होगा, ऐसा करके तीन बार करेगा। लेकिन मैंने दो बार का प्रोग्राम सेट कर दिया है मैनुअल में, तो दो बार रिंस होगा फिर उसके बाद स्पिन होगा। ये भी देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप। अच्छा इसमें ये देखिए कि वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, अभी भी देख सकते हैं आप इतना वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। मशीन देख सकते हैं, बास्केट जो है इसका फुल रोटेशन में है। लेकिन मशीन देखिए आप नीचे से ऊपर तक देख लीजिए, कोई ऐसा वाइब्रेशन नहीं है इसमें इतना ज्यादा। दोस्तों देख सकते हैं ये फिर से पानी लेना शुरू कर दिया है रिंस के लिए। जो इसमें जो वॉश के दौरान जो पानी गंदा पानी था वो ड्रेन करके निचोड़ लिया है, अब ये साफ पानी दोबारा से ले रहा है और ये रिंस करेगा, दिख रहा होगा आपको। तो ये अभी पानी भरने में टाइम लगेगा और अभी आप देख सकते हैं टाइम कितना हो गया है, 36 मिनट रेस्ट है। तो चलिए वीडियो थोड़ा स्किप करते हैं, पानी भरने देते हैं, फिर अगला स्टेप आपको दिखाते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं ऑलमोस्ट वाटर फिल हो चुका है और कुछ देर में ये रिंस करना शुरू करेगा। यहाँ देख सकते हैं आप रिंस पे ब्लिंक हो रहा है, शायद आपको फ्लैश लाइट देखिए ये हो गया, ये देखिए जेट स्प्रे दे रहा है और ये रिंसिंग शुरू हो चुकी है। ये जेट स्प्रे के कारण जब ये जेट स्प्रे चलता है तो इसके छींटे जो है इस लीड पे अंदर से पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा। ये बाहर से साफ है, ये अंदर से ही गंदा है, तो थोड़ा सा आपको पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सही नहीं आ रही होगी विजुअल, बट ठीक है। आप देख सकते हैं वाटर फिल हो चुका है और ये रिंस कर रहा है। ये पहला बार हो रहा है, एक बार और इसी तरह से होगा। ये इस तरह से कुछ देर रिंस करने के बाद फिर उसी तरह से पानी जो है ड्रेन कर देगा और बास्केट को घुमाकर और पानी जो भी बचे कुचे पानी उसे निचोड़ देगा। फिर ऐसा दो बार करने के बाद फिर फाइनली स्पिन होगा। ये देखिए देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा, बीच बीच में जेट स्प्रे चलता रहता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा होगा बट इसी तरह से कुछ देर के लिए ये रिंस होगा। मैं वीडियो थोड़ा स्किप कर देता हूँ। देखिए इस समय नीचे का जो ट्रियाटिक पल्सेटर है वो चल रहा है, बास्केटिंग घूम रहा है, थोड़ा सा आपको साउंड आ रहा होगा, ये नीचे चल रहा है। अभी वाटर ड्रेन हो रहा है, देखिए वाटर ड्रेन हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। ये देखिए वहाँ पानी आपको दिख रहा होगा, पानी देखिए धीरे धीरे घट रहा है। देखिए इस तरह से पानी ड्रेन हो जाएगा, फिर ये इसे थोड़ा सा स्पिन करके इसके पानी निचोड़ देगा, वापस से एक बार फिर इसी तरह से पानी लेगा, रिंस करेगा मतलब खंगालेगा और फिर फाइनली स्पिन करके मशीन ऑफ हो जाएगा, मतलब फाइनल ये धुल चुका है। अभी भी देख सकते हैं 28 मिनट रेस्ट है, तो अभी 28 मिनट इसे और लगेंगे। तो पानी ये ड्रेन हो जाता है फिर वापस से भर जाता है, तब तक थोड़ा सा और वीडियो को स्किप करता हूँ मैं, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए पानी ड्रेन हो चुका है और ये स्पिन करके जो भी इसमें पानी थोड़ा बहुत भी होगा उसे वो निचोड़ देगा। देखिए पानी निचोड़ चुका है और फिर से ये पानी लेने लगेगा सेकंड रिंस के लिए। देखिए फिर से पानी लेना इसने शुरू कर दिया है सेकंड रिंस के लिए।
तो इसे इस बकेट को फिल होने देते हैं। देखिए देखिए ऑलमोस्ट पानी भर चुका है। अब देखिए पानी भर चुका है और ये वापस से दोबारा सेकेंड टाइम रिंस करने लगा। देखिए देखने वाली नोटिस करने वाली चीज़ इसमें यह है कि मशीन भी बड़ा है 9.5 kg का और इसका बकेट भी बड़ा है, तो स्पिन करने के टाइम में क्या है मशीन वाइब्रेट करती है या नहीं करती है, मेन चीज़ वो है देखने की। तो जब स्पिन करेगा तो मैं भी देखूंगा आपके साथ मशीन वाइब्रेट करती है या नहीं करती है, और करती है तो कितनी करती है, क्योंकि अगर देखिए बड़ा मशीन है तो हम कपड़े भी ज़्यादा डालेंगे, जैसे कि मैंने अभी ब्लैंकेट डाल दिया, तो ब्लैंकेट तो ऐसे ही काफ़ी वेट होता है उसमें, और जब वो गीला हो जाए पानी के साथ तो बहुत वेट हो जाता है, बहुत वजन का हो जाता है। तो उस समय रिंस करते समय क्या मशीन वाइब्रेट करता है या नहीं करता है, अगर करता है तो कितना करता है, ये देखने वाली चीज़ है। तो अभी ये सेकंड टाइम रिंस हो रहा है, मैंने मैनुअली दो बार ही रिंस किया था, सेलेक्ट किया था, वैसे तीन बार था। तो अभी ये सेकेंड टाइम रिंस हो रहा है, इसके बाद स्पिन होगा तो हम लोग देखेंगे कि क्या वाइब्रेट करता है या नहीं करता है मशीन। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बट कीप पेशेंस। देखिए इस टाइम पे नीचे का ट्रायडिक पल्सेटर चल रहा है, बकेट जो है स्टैग्नेंट है बट नीचे का ट्रायडिक पल्सेटर चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है बट आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा। देखिए रिंस हो गया है, ड्रेनिंग चालू हो गई है, ये आप देख सकते हैं पानी के लेवल नीचे जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं वहाँ ड्रेन पाइप से भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन रहने दीजिए वहाँ से, यहीं से देख लीजिए। अभी दो बार रिंस हो चुका है, अब स्पिन होगा और देख सकते हैं पहले रिंस ब्लिंक कर रहा था, अब स्पिन ब्लिंक कर रहा है। रुकिए मैं फ्लैश लाइट ऑफ कर देता हूँ तो दिखेगा आपको, देखिए देखिए स्पिन ब्लिंक करने लगा ना, पहले क्या रिंस ब्लिंक कर रहा था तो रिंस हो रहा था, अभी ये रिंस कंप्लीट हो चुका है, जो मैंने दो बार लगाया था दो बार रिंस हो चुका है, अभी ये स्पिन होगा और टाइम देखिए 13 मिनट रेस्ट बचा है, अभी देखेंगे रिंस हम लोग। देखिए रिंस हो रहा है, धीरे धीरे इसकी आरपीएम बढ़ेगी, अब ये थोड़ा कम पे चल रहा है। देख सकते हैं स्पिन चल रहा है और मशीन वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है, देखिए अपने ये फुल स्पीड पे आ गया है। ऐसे करके थोड़ा सा मोबाइल दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं मशीन वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ये मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ, ऊपर से दिखाता हूँ, देखिए फुल स्पीड पे है,
कहीं से भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, जरा सा भी नहीं हो रहा है। तो मतलब कि अगर ब्लैंकेट भी धोते हैं हम इसमें तो वाइब्रेट नहीं करेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी मशीन इंक्लाइंड पे ना हो, ऊंचे नीचे पे ना हो। अभी 8 मिनट बचे हुए हैं, आपको फ्लैश लाइट में थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ये 8 मिनट है। और ये देखिए स्पिन हो रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है, वो फ्लैश लाइट में नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए एक मिनट रेस्ट बचा है दोस्तों, मतलब ये कंप्लीट हो गया है, सारे वॉशिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो गए हैं। अभी देखिए ये मशीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और हम जहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई है इसका वो स्विच ऑफ कर देंगे। ये देखिए इसका स्पिन भी कंप्लीट हो गया है। देखिए बकेट रुक गया है पूरी तरह से। देखिए वहाँ 00 हो गया टाइमिंग और एक मधुर संगीत के साथ ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है मशीन। और अब देखते हैं कि ये लीड खोल के देखते हैं कि ब्लैंकेट की क्या कंडीशन है। ब्लैंकेट तो साफ लग रहा है, इसे निकाल के देखते हैं। थोड़ा सा गीला है, ठीक है, लेकिन इसे धूप में थोड़ा सुखा देंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं, थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिनको भी मेरे वीडियोज़ की ज़रूरत हो वहाँ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।